डॉक्टर अमजद अली बाबर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डॉक्टर अयाज सर डिपार्टमेंट ऑफ अरबी, डॉक्टर असदुल्ला सर स्टाफ सेक्रेटरी, और मेरे सीनियर्स और जूनियर्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ने हमारे हुक्म को बजा लाते हुए यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। तो ये काफ़ी तवील वक्त से हमारा ये प्रोग्राम दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ हालात रहे हमारे सीनियर्स के, ये पहले एग्ज़ाम में बिजी हो गए और इनके एग्ज़ाम के बाद साथ में हमारा एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद ऐसे हालात रहे, कहीं छुट्टी हुई, कहीं कुछ हुए, कहीं हमारा स्टाफ जो है बिजी रहा। तो बहरहाल हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम को आज यहाँ तक पहुँचाने की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मुख्तार भाई को दावत दूंगा कि वो आए और कलाम पाक की तिलावत करें। بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو
तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से। मेरे मालिक हैं मेरी परवाज तेरे नाम से, मेरे मालिक हैं मेरी परवाज तेरे नाम से। तेरी रहमतों, तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में। दे रहा हूँ शफीक को आवाज़ तेरे नाम से, दे रहा हूँ शफीक को आवाज़ तेरे नाम से। इसके बाद अगला प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह खूबसूरत होता जा रहा है, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे सीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं, और उर्दू अदब का नाम ही सुनते हम तो उतना ख़ास नहीं जानते, बल्कि यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की फेयरवेल पार्टी का इंतज़ाम है, तो यहाँ पर आज उर्दू पोइट्री के रिकॉर्डिंग बात होगी और उर्दू शायरी सुनने का मौका मिलेगा, और बड़े मोहक्किक हमारे सदर शोभा उर्दू डॉक्टर मुब्तदा हक नईमी सर, और उनके साथ डॉक्टर अहमद अली बाबर सर और स्टाफ सेक्रेटरी असदुल्ला सर। मैं इनसे फिर गुजारिश करता हूँ कि हमें इजाज़त दें हम प्रोग्राम को आगे करें। तो इसके बाद मैं शहजाद जी को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी सुरीली आवाज़ में अपने नज़म हो, गज़ल हो, या जो भी वो मुनासिब समझेंगे, वो अपनी सुरीली आवाज़ में हमारे दिलों को मुनव्वर करें। उर्दू डॉक्टर अब्दुल हक नईमी सर, दीगर उस्ताज़ा इकराम, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक पंजाबी शान सुनना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। उस्ताद पावे कोई भी हो, उस्ताद ने जिस कदर ना की थी, उस्ताद ने जिस कदर ना
शुक्रिया शहजाद जी का यहाँ पर, जिन्होंने उस्ताद के बारे में बड़ी खूबसूरत आवाज में गजल कही। तो कहते हैं कि तुम आए हो तो चांद सी बातें हो, तुम आए हो तो चांद सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। मैं इसके बाद मुख्तार भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। वो जो चाहे, चाहे गजल कोई सुनाए या नज़म सुनाए या कोई अपने ख्यालात का इजहार करे, तो इसमें कोई कैद नहीं है, बल्कि मेरी गुजारिश है मुख्तार भाई वो स्टेज पे आए और अपने बातों का आगाज करें और मैं फिर काबिल एहतराम सदर शोभा उर्दू डॉक्टर अब्दुल अकलैमी सर, प्रोफेसर डॉक्टर अमजद अली बाबर सर, सीनियर असदुल्ला खान सर, हमारे बैच के साथी और यूनियर जितने भी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र उसका एहसान कि उसने इस तालीमी निज़ाम के मुताबिक जो हमारा यहाँ एम ए उर्दू का बैच चल रहा था, जो हमारे सीनियर भी थे और हमारे स्टाफ मेंबर भी थे, इस फेयरवेल पार्टी के बहाने हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारा जो बिलखसूस उर्दू के स्टाफ हैं और हमारे यूनियर्स जिन्होंने हमें मदु किया, बुलाया, दावत दी। हमारे लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, तो ज़्यादा बोलना कुछ तो नहीं है। चलो अपने स्टाफ और जो हमारे साथी हैं इसके ताल्लुक से और उर्दू ज़बान जो है इसके ताल्लुक से चंद बातें इंशाअल्लाह ताला मैं अर्ज़ करूँगा। तो मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में बोलने वाले, स्टेज पे जाने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला कोई कोई है। वैसे देखा जाए तो स्टेज पे जाने वाले, बोलने वाले ज़ाहिरी आँखों के सामने एक या दो ही होता है, लेकिन सुनने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। लेकिन कौन में से कौन है जो सही मानों में सुनने वाला है, वो बहुत कम। अलमुख्तसर फिज़िकली तो बहुत होते हैं, लेकिन मेंटली जहनी तौर पर वहाँ मौजूद सुनने के लिए बहुत कम होते हैं। जहाँ आदमी के अंदर बोलने की सलाहियतें होती हैं, बोलता भी है, कोई सी भी स्टेज ले लो, कोई सा भी, चाहे वो दीनी हो, दीनी हो या दुनियावी हो, बोलना आसान है भी या नहीं भी है, बोलना आसान है भी या नहीं भी है, लेकिन जो सुनना हमें आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं है। जिस भी महफिल में हम जाएंगे, किसी प्रोग्राम में हम जाएंगे, बाज़ार हम बैठे हुए लगते हैं, अगर चंद घंटों के बाद पूछा जाए कि आज का जो प्रोग्राम था उसमें क्या, कैसा रहा, कैसा लगा, बस थोड़ा बहुत हमें अपने वो कानून की ख़ारिश ख़त्म करने के, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, उसमें आपने उस प्रोग्राम से सीखा गया, किन चीज़ों को आपने नोट किया कि जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगी, तब्दीली लाएंगी। और जब ऐसी बात आए सही मानों में, जो ऐसे पीरियड्स, ऐसे मदनी फूल हों, ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हों, ऐसे निकात हों, ताकि आदमी सुनकर उसे अमली जमा पहनाए और उन पॉइंट्स को, उन निकात को सुनकर अपने अंदर तब्दीली लाए, यानी कि ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़िंदगी को बदलने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। कभी पर छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गुफ्तगू या चंद पॉइंट्स, चंद निकात ऐसे होते हैं, चंद बातें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी लिए, तर के लिए टर्निंग पॉइंट्स बन जाते हैं, लेकिन तभी जब हम तवज्जो से सुनेंगे। तो ये जो हमारा शोभा उर्दू, उर्दू का जो डिपार्टमेंट्स है, उर्दू ज़बान, अब इसका बाज़ार बात है, नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, हमारे स्टाफ भी बैठा है, अब बड़ों के सामने कहते हैं कि छोटा मुँह बड़ी बात, दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये उर्दू के पीछे जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उर्दू के कितने नाम थे,
शायद सातवें या आठवें नंबर पे जाके आके उर्दू आया था। अलग अलग नाम रहे, बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते बदलते आज उर्दू है। और वाकई सही मानों में अगर आदमी की पहचान होती होती है उसकी शख्सियत, तो वो उर्दू जबान जो है, जब उर्दू जबान से आदमी जुड़ा रहेगा, इसका मुताला करता रहेगा, स्टडी करता रहेगा, उसके अंदर अदब आता है, उसके अंदाज से गुफ्तगू, यानी बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, मुलाकात का अंदाज, हर अंदाज ही निराला दिखाई देता है। अब ये अलग बात है, उर्दू है भी तो अदब है, लेकिन जब आदमी उसके करीब जाता है तो इसके अंदर वो सलाहियतें आ जाती हैं गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का। तो लेकिन शोबाई उर्दू या दीगर जो हमारे हैं, आप अगर कोई अदर स्ट्रीम वाला बैठा है तो टॉर्गेट नहीं करूँगा, कोई बुरा ना माने, ये जो आर्ट्स वाले जैसे उर्दू हुआ, अरबी या फारसी, ये इनका सबसे बड़ी बात ये कि आदमी अपने मजहब के साथ भी जुड़ा रहता है। कैसे? हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ, जो हमारे असल हीरो इस्लाम के, आदमी उनसे जुड़ा रहता है। जब उनके वाक़ियात पढ़ेगा उर्दू में, फारसी में या अरबी में, बड़े बड़े वाक़ियात में, वाकई आदमी के ईमान को झंझोड़ता है। तो जब आदमी इसके साथ जुड़ा रहेगा, दीन के साथ भी जुड़ा रहेगा। और वैसे भी एक जो शुबा तालीम से जुड़े हुए हमारे लोग हैं, प्रोफेशनल्स जो भी हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, ये लोग दीन के भी करीब हैं इल्ला माशाल्लाह। ये क्योंकि एक इन लोगों का एक जहन होता है और इनकी ख्वाहिश भी होती है, चॉइस आर्जुएं भी होती हैं। दूसरा ये कि आज कल जैसे अभी हमारी क्लासमेट ने, साथी ने उस्ताद के बारे में अशार पढ़े, पंजाबी में सैफी मुलू के अशार थे। तो जब ये अशार पढ़े या आदमी सुने, अब सीखा के आपने, सुन तो लिया दो मिनट कानों के लिए, वाकई उस्ताद का अदब बयान किया गया कि उस्ताद चीज़ क्या है, उस्ताद किस चीज़ का नाम है। लेकिन आज हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में उस्ताद का अदब एहतराम नहीं रह गया, यानी कि उस्ताद को होया ये समझा जाता है जैसे कोई साथी होता है। हाँ, उस्ताद का अलग मैटर होता है कि वो बच्चों के साथ कैसी डीलिंग करता है, उसकी ख्वाहिशें, उसकी उस्ताद की आरजू ये होती कि बच्चा आगे निकल जाए। अब अलग अलग पढ़ाने का मेथड होता है, वो अपने तरीके अपने मेथड से पढ़ाएगा ताकि बच्चे आगे निकले, किसी स्टेज पे जाए, हर उस्ताद की ख्वाहिश होती है। लेकिन उस मोहब्बत जो उस्ताद शागिर्दों को मोहब्बत देता है, उसके सिले में शागिर्द उसमें क्या देते हैं, यानी कि हमारा जब उस्ताद के सामने बोला जाए, बातचीत की जाए, कॉल के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, उसमें हमारा रिप्लाई कैसा होता है, उसमें हमारा अंदाज कैसा होता है, ये जो मतलब कि मौजूदा दौर, मौजूदा माशरे का अच्छा नहीं लगता है। उस्ताद 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 ही है, चाहे किसी भी दीनी भी हो या दुनियावी हो, उस्ताद उस्ताद है। अब जितना हम उस्ताद का अदब एहतराम ज़्यादा करेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे लिए आने वाली जो राहें हैं वो आसान हो जाएंगी हमारे लिए, इंशाल्लाह ताला। जो उस्ताद और माँ बाप को की दुआएं लेता है वो कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता है। पढ़ाई पढ़ना अलग बात है, पढ़ाई के अलावा तो चारा नहीं है, लेकिन अदब सबसे बड़ी बात है। जहाँ आदमी को अदब लेकर जाता है वहाँ पढ़ाई लेकर नहीं जाती। तो जितना हम उस आदिजा का अदब करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, कामयाबी आकर हमारे कदम चूमेगी। अब हम हमारे माशरे में पढ़ते यार, हम नौकरी मिल जाए, अच्छी जॉब लग जाए, होना भी चाहिए, एम है भी है, लेकिन इसलिए आदमी स्टडी ना करें कि मैं नौकरी करूंगा, मैं अच्छा किसी पोते या मनसे पे चला जाऊँ, नहीं, बल्कि अपने अंदर सलाहियतें पैदा करने के लिए। एक माशरे का बेहतरीन अच्छा इंसान बनने के लिए स्टडी करें, वो स्ट्रगल करें। वो अगर बिलफर्ज हमारे देखा होगा ना, बहुत सारे हैं अच्छी तालीम याफ्ता, अच्छे तालीम याफ्ता होकर अच्छी डिग्रियाँ लेकर खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं हमारे माशरे में। लेकिन वजह क्या, आप शुरू में जब वो स्टडी के लिए निकलते हो तो एम है, तो एम होता है, मकसद होता है कि मैंने भी हासिल करना है। अब
जो जाति पाक पैदा करने वाली है। इंसान के बारे में बेहतर क्या इंसान नहीं जान सकता, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब किसके ईमान की हिफाजत गरीबी में, किसके ईमान की हिफाजत अमीरी में, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन हम उस ओहदे और मनसब के लिए जब हम स्टडी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो हमें अगर नहीं मिलता तो फिर हम गलत रास्ता, खुदकुशी वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर वाकई पहले से हमारा जहन बना होता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ ताकि माशरे के अच्छा फर्द बनता है, अपने माशरे को, अपने सोसाइटी को बेहतरीन इसकी मैं तालीम तरबियत करूँ, इसका अच्छे तरीके से निज़ाम चलाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला जॉब नहीं भी लगी है तब भी वो बेहतरीन अंदाज में वो काम कर सकता है। फिर एक ये बहुत बड़ी दौलत है, एक दूर भी है, ये कोई चोरी होने से चुराया तो नहीं जा सकता और इस तरह जाया भी नहीं हो सकता। जिसके अंदर सलाहियतें आ जाती हैं तो वो कामयाबी की तरफ चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात है बिलखसूस मजहब के ताल्लुक से जितना मजबूत होंगे इंशाल्लाह ताला इतना हम आगे कामयाबी की तरफ जो है बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आज हम लोग ये बातें थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा हुलिया भी ऐसा ही है कि हम लोग ना आज दीन से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमने आज कुरान को अदब एहतराम के लिए घर में रखा है, हसूल बरकत के लिए दुकानों पे रखा है, खैर व बरकत के लिए दुल्हन आए सर पे रखा जाता है, नया घर हो खैर व बरकत के लिए रखा जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, चंद लोग पढ़ने वाले, मेरे रब ने कुरान में हमें क्या कहा गया उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है। पहले तो हम पढ़ते नहीं है, इस मुकद्दस किताब के पास आते ही नहीं है। अगर बिलफर्ज कोई खुश नसीब कहीं सुबह शाम या दिन को किताब को छोने का मौका मिल जाता है, उसकी ज़ियारत का मौका मिलता है, तो क्या कि उसको सिर्फ सीधा पढ़ता है, जैसे पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रब ने क्या कहा कोई पता नहीं। कितनी बार हमने कुरान को मुकम्मल किया लेकिन कुरान में उसका तर्जमा नहीं पढ़ा, उसकी तफसीर नहीं पढ़ी। इसीलिए आज हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी निस्त नाबूद तबाह बर्बाद होती चली जा रही है, असल कामयाबी की तरफ नहीं आ पा रहे। फिर दूसरा नमाज से दूर, दीगर जो हमारे अल्लाह ताला के अहकाम और ममनुआत दो चीज़ें, इनकी जब हम अच्छे तरीके से मजबूती से ले लेंगे इंशाल्लाह ताला हमें दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक मुसलमान के लिए असल जो है वो अपना दीन ही है, ये दुनियावी हमारा ये ज़रूरत है, मकसद नहीं है, मकसद हमारा दीन है। अगर मेरे कहने सुनने में हमारे उस्ताद आलिम साहब भी बैठे हैं, दीगर भी बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, कहने सुनने में या मेरे कहने में सख्त अंदाज में दिल आजारी हो तो मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह के लिए सबको अमल करने की तौफीक अता करता हूँ। इज्जत माब जनाब वाइस प्रिंसिपल सर, सदर शोबा उर्दू, लीगल प्रोफेसर, मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलेजा थाम लो हम दास्ताने गम सुनाते हैं, कलेजा थाम लो हम दास्ताने गम सुनाते हैं, बिछड़ कर मादरे इल्मी से हम आंसू बहाते हैं, बिछड़ कर मादरे इल्मी से हम आंसू बहाते हैं, जुदाई तेरी ए गुलशन कयामत है कयामत है, जुदाई तेरी ए गुलशन कयामत है कयामत है, तेरी बाहों में जो बीते वो लम्हे याद आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज अलविदाई तकरीब के मौका पर क्या कहूँ और किस तरह कहूँ, मुझ में जुरत इजहार है ना इजहार शोक का सलीका, और फिर शोक व गम के मिले जुले जज्बात को अल्फाज के आईने में उतारना तो यूं भी इंतहाई दुश्वार हुआ करता है, इसलिए कि इस मकाम पर गोयाई के करीने साथ छोड़ जाते हैं और इजहार की जुरत दम तोड़ देती है, लेकिन जब कभी भी साज पर चोट पड़ती है तो अपने ज़र्फ के मुताबिक कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर निकालता है। आज जब हमारे दिलो नज़र की तारों की छेड़ा गया तो खुशी के नगमे फूटे और चीहों से मशाबा सुर भी,
हमारे होठों पर मुस्कुराहट है और आंखों में आंसू भी अश्के गम की अलामत होते हैं और तबस्सम खुशी का सबूत। आप जानते ही हैं कि सदफ की कदर व कीमत मोती के दम से वाबस्ता है और आज हमारी आंखों में जो सच्चे मोती जिल मला रहे हैं इनको कोई साहिब दिल ही समझ सकता है। मैं जिसके वास्ते पत्थर बना रहा अब तक बदल दिया है मजाज उसके आंसू ने मेरा। बहरहाल हमारी कैफियत बांसुरी सी मिलती जुलती है कि इसके सीने में छेद होते हैं मगर फिर भी गाती है। इसलिए मैं रो रो के आपको रुलाना नहीं चाहता। हम हसूले तारीफ जैसे मकसद के लिए एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। बिल्कुल नदी के किनारों की तरह वो तवील मसाफत के बाद एक ही माँ के बेटे मनशाए फितरत की तकमील के लिए मुख्तलिफ सिमतें अख्तियार कर लेते हैं। एक लिहाज से अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं लेकिन मंजिल एक ही है। इस मंजिल तक पहुँचने का जुनू हमारी ज़िंदगी है और जान भी। मकसद इज्जत है और वकार भी बल्कि मार्फत इलाही का सबब भी यही है। आज माला के मोती दाना दाना होते हुए नजर आ रहे हैं। चमस्तान मकतब के गुलाए रंगारंग मरजाए हुए दिखाई देते हैं। हजर व शजर अफसरदा नजर आ रहे हैं। दर्द बाम से उदासी टपक रही है गोया वो हल्काए मकतब जो बहारों का नशीमन था आज हजाओं का मस्कन बन गया है। मैंने देखी है हर एक फूल की आंखों में नम कैसे कह दूं कि गुलशन में बहार आई है। इधर लज्जत इलम का शौक आपको कुशा कशा है हमसे दूर लिए जा रहा है और इधर उधर एहसास जुदाई के फफोले मुतकाजा हैं कि आपको कभी जाने न दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है धुआं न उठे दिल भी जले चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं मगर हम ये कहकर दिल नदा को तसल्ली दे रहे हैं कि दूरियां कुर्बत के शोलों को हुआ देती हैं। हमारी चाहतें कुछ कम ना होंगी जब कभी आओगे तो दीदाए दिल को फर्श रा पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी करदा नकरदा खताओं और छोटी छोटी रंजिशों को फरामोश कर देंगे। मीठी मीठी हकायतों और चाहत भरी शिकायतों के दीप हमेशा जलाए रखोगे। आखिर में ये दुआ है कि आप इल्म फन के बहरे बेकरां में गवासी करके वो जवाहिर ना बंदा हासिल करें जो आपके मुस्तकबिल की शादमानियों का बायस बने और कौम वतन के दामन भर जाएं। खुदा करे आप आकाश पर सितारों की मानद हमेशा ताबंदा वो जिंदा और सदा कामयाबियों की तरफ शगुफ्ता रहें। इस अलविदा पार्टी से हमें और भी बहुत से सबक मिलते हैं। एक मुसलमान होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ जिस तरह हम आए साल बीत के 3 या 5 साल इस कॉलेज में लेकिन इसी तरह सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ सफ़र कर देंगे तो हमें इस दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र करनी है कि कितने मुख्तसर वक्त के लिए हम आए थे इस जहां में कि आते हुए अज़ान हुई और जाते हुए नमाज। तो हमें इस दुनिया के साथ साथ आखिरत की बहुत ज़्यादा फिक्र करने की कोशिश करनी है। अस्सलामु अलैकुम।